केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी संरक्षित स्मारकों को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में निशुल्क प्रवेश दिए जाने के बाद से ताजनगरी आगरा के सभी स्मारकों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आगरा के मिनीताज के नाम से विश्व प्रसिद्ध स्मारक एतमादौला में भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो वहीं रविवार के दिन सुबह से हुए सुहाने मौसम को लेकर पर्यटकों का आवागमन स्मारकों पर देखने को मिला। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में रविवार को मौसम सुबह से ही सुहाना रहा। 5 अगस्त से 15 अगस्त तक देश की सभी संरक्षित स्मारकों में देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को प्रवेश भी निःशुल्क किया गया है। ताजनगरी आगरा में प्रेम की निशानी ताज के साथ साथ अन्य स्मारकों में भी पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। रविवार को बेबी ताज के नाम से जाने वाले एतमादौला स्मारक में पर्यटकों ने स्मारक के साथ साथ मौसम का भी लुत्फ उठाया। देश के विभिन्न शहरों से आए पर्यटकों ने ताजनगरी आगरा के बारे में अपने विचार रखे। कुछ पर्यटकों ने ताजनगरी आगरा की तारीफ की तो वहीं कुछ पर्यटकों ने ताजनगरी आगरा में होने वाले जलभराव को लेकर भी अपनी बात कही। स्मारक इंचार्ज रवि प्रताप मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद आम दिनों से ज्यादा पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। आम दिनों में जहां पर्यटकों की संख्या भारत में 300 से 400 के बीच रहा करती थी, वहीं संख्या बढ़कर दुगनी हो गई है। वहीं बताया कि स्मारक में आने वाले सभी पर्यटकों को कोविड-19 का पालन करते हुए प्रवेश दिया जा रहा है। बहुत से लोग नहीं आ पाते हैं किसी वजह से, प्रॉब्लम पैसे की है उसकी, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जब भी देश का कोई पर्व होता है तो ये चीज़ें होती हैं, तो देश के प्रति इंसान के लिए दिल में और मोहब्बत जागती है, उसको लगता है देश हमारे लिए सोचता है। आज जब मौसम भी ठीक है तो क्या कहेंगे मौसम को लेके आप इस तरीके से आज निकले? बहुत ही सुहावना है, हम चाहते हैं हम यहाँ भी घूमें, फिर ताजमहल जाएं, लाल किला भी जाएं, हो सका फतेहपुर सीकरी भी जाएं, जितना वक्त मिलेगा उतना घूमें। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेके आपने क्या तैयारियाँ की? हम इंशाल्लाह अपने घर के टॉप पर एक झंडा फहराएंगे और आज़ादी के लिए जो भी हमसे होगा अपने आस पड़ोस में वो सब करेंगे कोशिश। मैं आगरा में कल आई थी ऑफिशियल वर्क से, आई थी किसी मीटिंग के लिए, लेकिन उसको अटेंड करने के बाद मेरा एम था कि मैं आगरा की जितनी मैक्सिमम हो सकती उतनी प्लेसेस को देख लूँ। तो फर्स्ट मैंने ताजमहल देखा, ताजमहल के बाद हम बहुत फेमस टेम्पल है यहाँ पे मैसूर टेम्पल, और उसी टेम्पल को देखते हुए मुझे पता चला कि आगरा के 4 साइड्स में चारों तरफ एक एक करके प्राचीन टेम्पल्स हैं। तो मैंने एक ही टेम्पल विजिट किया क्योंकि टाइम थोड़ा कम था। उसके बाद आज हमने आगरा फोर्ट देखा है। आगरा फोर्ट में बेसिकली तो एक तो विंडो का था और एक एसी रूम है वहाँ पे, और एक डोर है जो मतलब वो लेकर आए थे, और रेड फोर्ट में एक जो पनिशमेंट देकर के जो सुरंग वाला एरिया है वो भी कम्प्लीट किया आज हमने। उसके बाद अब हम बेबी ताज देखने आए हैं और उसके बाद हमारा विजिटिंग अपना मीटिंग। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।